स्वागत है दोस्तों आनंद के गार्डन में। आज मैं आपको अपने सकुलेंट दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप सकुलेंट लवर हैं तो आपको अपने सकुलेंट देखते देखते इस तरह लगेगा कि सकुलेंट्स के ऊपर इस तरह से ये एरियल रूट्स आ रही हैं। ये देखिए, ये नीचे तक, ये इसमें ये एरियल रूट्स है। ये देखिए, नीचे तक, ये ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है ये। और ये मेरे कुछ और सकुलेंट्स हैं। अब मैंने उन सकुलेंट्स को निकाल के रखा है जिनके ऊपर एरियल रूट्स आई हुई हैं। ये देखिए, पहले नंबर पर ये देखिए मेरा जेली बीन्स, आपको दिख रहा होगा ये, इसके ऊपर ये छोटी छोटी सी रूट्स, ये क्योंकि काफ़ी बढ़ गया है और नीचे तक बेंड होके जा रहा है तो इसके ऊपर इस तरह से महीन रूट्स आ गई हैं। और ये कलन कोई टमेंटोसा है, इसके ऊपर भी देखिए ये स्टेम के ऊपर आपको रूट्स दिख रही होंगी। और ये पीछे मेरे पास ये भी कलन कोई है, इस पे भी ये स्टेम के ऊपर रूट्स हैं। और ये मूनस्टोन है, इसके ऊपर भी काफ़ी इसकी स्टेम्स लंबी हो गई हैं और ये आपको दिख रहा होगा, ये इसके ऊपर ये रूट्स हैं। थोड़ा बड़ा पॉट दीजिए जिससे ये, मतलब ये थोड़ा निगलेक्टेड है, थर्स्टी है, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट है, बस यही एक इंडिकेशन है। और कुछ रूट्स तो इस तरह से, ये देखिए, ये काफ़ी ब्राउन और हार्डी हैं, ये प्लांट को थोड़ा स्टेबलाइज करती हैं, मतलब नीचे तक जाके ये ज़मीन भी ढूंढ रही होती हैं, ज़मीन में जाके ये प्लांट को सपोर्ट करती हैं ताकि वो सीधा चल सके। बस यही एक इंडिकेशन है कि आपका प्लांट थर्स्टी है, इसको पानी चाहिए और इसको नई ज़मीन चाहिए। आप इनको देखिए कितनी लंबी नीचे तक फैली हुई हैं, इनको कट करके आप नए प्लांट्स बना सकते हैं। ये देखिए मेरे पॉट में ये अरेंजमेंट 3-4 सालों से है, कितना खूबसूरत बढ़िया चला हुआ है। ये देखिए कितने सारे प्लांट्स हैं इसमें, आपको पता चल गया होगा अभी एरियल रूट्स का। घबराएं नहीं, उसको कट कर दें या थोड़ा पानी डालें उसमें ज़्यादा, उसकी थोड़ी अच्छी केयर करें तो ये एरियल रूट्स ठीक हो जाएंगी। ये मेरे बाकी के सकुलेंट्स हैं
और हाँ, मैं आपको दिखा रही हूँ अपना एक बहुत ही खूबसूरत जीनिया का फ्लावर। देखिए कितना खूबसूरत कलर है, और एक कलर और है इसमें, ये ग्रीन कलर। आशा करती हूँ आपको मेरा ये एरियल रूट्स का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।